हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो है 25 फरवरी की ही, जिस दिन चढ़त हुई थी। चढ़त करने के बाद हम सब निकल गए थे एक शादी में जाने के लिए। हस्बैंड के मामा की बेटी की शादी थी और वो काफ़ी दूर मुजफ्फरनगर ज़िले में पड़ता है, यूपी में। हम सब निकल चुके थे, हस्बैंड नहीं गए थे, हस्बैंड तो बारात में गए हुए थे। मेरे साथ मेरे एक जेठ जी थे, ननन थी और शीतल, खुशी, पीहू, हम सब थे। और आगे पीहू सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाएगी आपको। और हम वहाँ पर पहुंचे थे 2:30 बजे। ये है शीतल टीम। सबको पता, सबको पता है वो आते हैं ताऊ जी, बीटू ताऊ जी, उनको भी पता होगा। पता नहीं, नहीं पता। मम्मा बैठी है, कार चला रही है। एक एक को पता होगा। ये पीछे बैठी है बुआ, कोरोना वायरस से बची हुई। 3 मिनट स्लो, 2 मिनट स्लो। ये बैठी है खुशी दी, मेरा हेयर बैंड लगा हुआ। मेरा भी पता है सब। पीछे तो रास्ते शो कर रहा है। हम यहाँ पर पहुँच चुके थे 2:30 बजे के आसपास। और सबसे पहले पहुँचते थे ही वहाँ पर मैंने, खुशी और शीतल ने कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि हमने डाला था गाउन। और गाउन पहले वहाँ पर हम कार में पहन कर नहीं गए थे, क्योंकि कार में बैठना दूर कंफर्टेबल नहीं होता है। कोई कह रहा था हम टेंट में खाना नहीं खाते। और यहाँ पर सारी लेडीज़ शादी वाले घर में पहले से ही टेंट में खाना खाने के लिए आई हुई थी, और हम रह गए थे बस। फिर हम जल्दी से कपड़े चेंज करके यहाँ आए। इतने हम यहाँ पहुँचे, ये सारी चली मतलब यहाँ से चली गई थी। और वो पीछे मेरी ननन थी अपनी मासी जी के साथ, ये मेरी मदर इन लॉ हैं और वो मामा के बेटे की बहू हैं। अभी ये देखिए, हम अभी यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे। वो मासी के साथ हैं ननंद, फिर शीतल, फिर मैं, फिर मामा के बेटे की वाइफ और फिर मेरी मदर इन लॉ। इतना नहीं खा करते, थोड़ा चलो भाई, दवाई चीज जा। एक मिनट, ग्रैंड साइड हो जी। बस फिर हम वहाँ से थोड़ी ही देर रुके थे, उसके बाद हम निकल लिए थे, क्योंकि वहीं पर ही जेठ जी को जाना था, एक और शादी में कन्यादान देना था। शादी तो नेक्स्ट डे थी और वो बिल्कुल पास में ही था। तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ क्या करेंगे इतनी देर, आगे से ही रास्ता भी निकल रहा था मतलब वापस आने का हमारे घर की तरफ का। तो हम सारे ही निकल गए थे कि सब लोग साथ में ही चले जाएंगे। और फिर वहाँ पर कन्यादान दिया हमने, थोड़ी बहुत देर चाय वगैरह पी। और वहाँ पर बन रहे थे उस दिन कढ़ी चावल, भलवाई वाले दिन, भलवाई वाला दिन था वो। हमारे में तो यहाँ पर नमक वाली पूरियाँ बनती है, लेकिन वहाँ पर बने हुए थे कढ़ी चावल। हमने थोड़े से कढ़ी चावल भी खाए थे और फिर निकल गए थे हम वहाँ से 6:45 के आसपास। और लेकिन वही कि रात के टाइम फिर कार थोड़ी स्लो चलानी पड़ती है, और कार ड्राइविंग की थी मैंने ही, क्योंकि ये जो ऑटो गियर शिफ्ट वाली कार होती है वो नहीं चला पाते हैं मेरे जेठ।
वो सिंपल कार चला सकते हैं, तो फिर वो मैंने ही चलाई थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चला लेती हूँ, मैं फैमिली है और इस कार को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं थी कार चलाते वक्त, बल्कि हाँ अगले दिन थोड़ी बहुत महसूस हो रही थी, उस दिन तो नहीं लगी थी। और रात को हमें घर पहुँचते पहुँचते बज गए थे 11। अभी तो हम वहीं जा रहे हैं जहाँ मैंने आपको बताया था ना कि हम जाने वाले थे, और ये रास्ते में ही है अभी। ये देखिए रास्ता कितना अच्छा है यहाँ का ना, और अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये लड़की की ससुराल से जो सामान आया था वो सब दिखा रहे थे, तो मैंने इसकी भी क्लिप बना ली। और ये सब बहुत अच्छे थे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके ना, एंजॉय किया हमने यहाँ पर भी। और अभी हम चाय ही पी रहे थे, मैंने सोचा कि चलो चाय बनाते बनाते ही रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। और ये ड्रेसेस हम यहाँ पर देख रहे थे, वो देखिए पीछे लेडीज़ वो सब खाना बना रही हैं, और वो हमारा तो हलवाई लगती है जैसे वो, लेकिन वो उन्होंने खुद से ही बनाया था खाना। और ये वाली रिकॉर्डिंग की है पीहू ने यहाँ की सारी, मैंने कहा था कि रिकॉर्डिंग कर लो। और हमने यहाँ पर आकर ना कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि वही प्रॉब्लम थी फिर, गाउन में हैवी हो जाता है, कार में बैठा नहीं जाता। और मैंने आपको बताया भी था कि अभी हम रात को बहुत लेट हो गए थे घर आते आते, तो इस वजह से फिर वही कि एकदम से हैवी ड्रेसेस में आके एकदम से इसमें कंफर्टेबल थे, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई। और बस इसके बाद हम यहाँ से चल देंगे। और ये देखिए ये पीहू परेशान हो रही है कि चलो बस अब हम खड़े हो गए थे कि चलो चलते हैं। मैंने शीतल को भी आवाज़ लगाई कि चलिए चलते हैं, और यहाँ पर शीतल की फ्रेंड भी है। और बस देखिए अब हम सब खड़े हो गए हैं, निकल मतलब चल चुके हैं यहाँ से, नीचे जाएंगे थोड़ी सी देर। पीहू ने वॉशरूम में भी जाना था, और ये खुशी ने भी सूट चेंज कर लिया था ग्रीन कलर का, बल्कि मेरी दीदी ने नहीं चेंज किया था, मतलब ननद ने नहीं चेंज किया था सूट, वो कंफर्टेबल थे उन्हीं सूट में, लेकिन हमने गाउन डाला था तो गाउन में अनकंफर्टेबल होता है थोड़ा सा। आज का व्लॉग तो मेरा सारा ही ट्रैवलिंग व्लॉग बन गया, बस हम कार में ही रहे, लेकिन हमने कार में आना जाना ट्रैवल बहुत इंजॉय किया। रास्ते में रुक के चिप्स वगैरह खाए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी, और लेकिन हम कार से बाहर नहीं निकले, बैठे बैठे ही सब कुछ कार में ही हमने खाया पिया और इंजॉय किया। और अगर आपने भी मेरा व्लॉग इंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले अगले अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।